हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम कैपिलरी राइज का सेकंड मेथड देखेंगे। हमने फॉर्मूला देखा था एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, इसी का सेकंड मेथड है। सपोज हमारे पास ये ट्यूब है और इसमें वाटर एच हाइट राइज कर जाता है। यहाँ पे हम इस हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे, ये जो थोड़ी सी हाइट है इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि हमने देखा था आर बाई थ्री आया था। अब यहाँ पे हम एक्सेस प्रेशर से सॉल्व करेंगे। ये कॉनकेव सरफेस है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट इसके जस्ट नीचे पॉइंट बी। एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं सी, यहां पे पॉइंट डी। ये जो हमारा स्फेयर है ये कॉनकेव सरफेस के साथ जो स्फेयर बन रहा है इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर और ट्यूब का रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी चाहिए। पहले हम एच को लाएंगे। ए हमारा कैसा है? ए पॉइंट के पास सरफेस हमारा कॉनकेव टाइप का है। हमें पता है प्रेशर एट कॉनकेव साइड ग्रेटर होगा, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, क्योंकि ए हमारा कैसा है? कॉनकेव साइड पर लाई कर रहा है। तो प्रेशर एट ए आएगा हमारे पास पी बी प्लस टू टी अपॉन इस मिनिस्कस का रेडियस टू टी अपॉन आर। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा आएगा, इस सी पॉइंट को देखें, अब प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच। हमने ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए पर प्रेशर, बी पर प्रेशर कम हो गया है, ए पर प्रेशर ज्यादा था। तो जैसे हम नीचे आए प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ है, तो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाइट जो भी है तो प्रेशर हम कहां पे लेंगे? प्रेशर एट पॉइंट बी। सी वाले पर प्रेशर आ गया प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच, क्योंकि हमारा बी पर प्रेशर कम हुआ है। ये तो आ गया सेकेंड इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या है? प्रेशर एट सी और प्रेशर एट डी हमारा बराबर होगा क्योंकि सेम लेवल पर है और लिक्विड हमारा कैसा है? रेस्ट में है। अब ध्यान से देखें, ए पर प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर प्रेशर पी ए टी एम, यहां पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा सी था। इस डी पॉइंट और इस सी पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा? इक्वल होगा। यहां पे पॉइंट हमारा ए था तो प्रेशर एट सी प्रेशर एट डी इक्वल टू प्रेशर एट ए, ये सब किसके बराबर हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं।
अब इन दोनों इक्वेशन से, इन तीनों इक्वेशन से इसको ले लेते हैं थर्ड। इन तीन इक्वेशन का यूज करके हम एच और टी में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच। प्रेशर एट सी है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस टू टी अपॉन कैपिटल आर प्लस रो जी एच। पी ए भी हमारा किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहां से पी ए टी एम कैंसल, टू टी बाई आर रो जी एच। ये हमारा क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ दी मिनिस्कस, वो जो कॉनकेव सरफेस था उसका रेडियस। तो यहां से एच आ गया हमारे पास टू टी बाई आर रो जी। अब हमें यहां पे रेडियस ऑफ दी ट्यूब चाहिए, स्मॉल आर के टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिखना है। तो यहां पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा लिक्विड था, ये आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ये जो सरफेस है इसका सेंटर, ये हमारा कैपिटल आर, रेडियस, और ये हमारा स्मॉल आर क्या है, ट्यूब का रेडियस। अब हम क्या करें, यहां पे अगर ध्यान से देखिए इस आर के साथ ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट के साथ ये हमारा टेंजेंट है, और ये देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा टेंजेंट है, इसके साथ एंगल 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास थीटा। तो हमारे पास ये एंगल आ चुका है थीटा। अब यहां से आर और आर में रिलेशन फाइंड करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आर बाई कॉस थीटा। इसको पुट कर देंगे इस एच वाले में आर की जगह, एच इक्वल टू टू टी अपॉन आर बाई कॉस थीटा रो जी, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। इससे भी हमारा सेम फॉर्मूला आया है, यहां पे स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, थीटा हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। टू नैरो बोर्स ऑफ डायमीटर 3 mm एंड 6 mm। बोर्स हमारे क्या होते हैं, पाइप है जिनका रेडियस बहुत कम होता है। दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ यू ट्यूब।
तो एक का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस हमारे पास ज़्यादा है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और यूट्यूब बन गया। इसका मान लेते हैं डायमीटर D1, इसका डायमीटर D2। इफ़ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर इसमें वाटर है तो क्या होगा, वाटर हमारा इसमें ज़्यादा राइज करेगा, इसमें हमारा कम राइज करेगा। हमने देखा था कैपिलरी राइज में थिन वाले ट्यूब में जिसका रेडियस कम है उसमें वाटर ज़्यादा राइज करेगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा 0 डिग्री है, डेंसिटी 10^3, फाइंड द डिफरेंस इन वाटर लेवल। नॉर्मली हमारा क्या होता है, अगर लिक्विड के डेंसिटी सेम है तो हमारा लेवल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। बट यहाँ पे दोनों का डायमीटर अलग अलग है तो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे कम राइज करेगा, इस थिन वाले ट्यूब में ज़्यादा राइज करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इन फर्स्ट H1 राइज किया है और सेकेंड वाले में हमारा H2 राइज किया है। पहले इतना नोट कर ले, अब हमें H1 का फॉर्मूला क्या आएगा, 2T cos थीटा अपॉन R1 रो जी, ये होगा फॉर्मूला। H का फॉर्मूला हमें पता है 2T cos थीटा अपॉन R रो जी, H1 होगा तो R1 आ जाएगा क्योंकि रो और जी हमारा सेम है। हमें डिफरेंस इन वाटर लेवल फाइंड करना है, तो इसमें हमारा H1 राइज कर रहा है, ज़्यादा राइज करेगा, तो H1 माइनस H2 हमें फाइंड करना है। तो 2T cos थीटा अपॉन R1 रो जी माइनस 2T cos थीटा अपॉन R2 रो जी। R2 क्या है, इस सेकेंड वाले का रेडियस, यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 2T cos थीटा अपॉन रो जी 1/R1 माइनस 1/R2। cos थीटा हमारा क्या होगा, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, R1 हमारा कितना आएगा, डायमीटर अपॉन 2, पहले वाले का डायमीटर था 3, तो 1.5 × 10^-3 मीटर्स। R2 कितना आ जाएगा, 6/2, मतलब 3 × 10^-3 मीटर्स। R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे अगर पुट करेंगे डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा H लिख लेते हैं, तो डेल्टा H आ गया हमारे पास 2T cos 0 हमारा 1 हो गया अपॉन रो जी इंटू R2 - R1 अपॉन R1 R2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर सकते हैं खुद से।
क्वेश्चन को, सेकंड में हमें क्या गिवन है, हमारे पास ये ट्यूब है, इसमें एच हाइट तक वाटर राइज करता है, रेडियस हमें 0.4 mm गिवन है, एच का वैल्यू पहले तो फाइंड करना है। और यहां पे है हमारे पास प्योर वाटर और ये वाला ट्यूब है हमारे पास ग्लास ट्यूब। एच कितना आएगा, एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, 2 इंटू टी का वैल्यू 7 × 10⁻², cos थीटा, थीटा हमारा क्या आएगा, प्योर वाटर और ग्लास के बीच का थीटा होता है 0, cos 0 डिग्री अपॉन रेडियस है हमारे पास 0.4, रो है 10³, जी का वैल्यू 10। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाया 20, 4 5 20, तो 3.5 आएगा हमारे पास 10⁻², cos 0 होता है 1, h आ गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें लिक्विड कितना राइज करेगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया है, इस ट्यूब को टिल्ट कर दिया है 60 डिग्री वर्टिकल से 60 डिग्री टिल्ट कर दिया है, तो हमें एल को फाइंड करना है। अब यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, ये हमारा एल था, एल हमें फाइंड करना है, ये है 60 डिग्री। अब यहाँ पे वाटर कितना राइज करेगा, ट्यूब हमारा जब सीधा था तब यहाँ पे हाइट क्या थी, एल थी, इस ट्यूब को हमने टिल्ट किया, अब वाटर हमारा इसी लेवल तक राइज करना चाहिए, एल का ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एल कॉस 60 डिग्री, यही हमारा क्या है, एच है। नाउ एच इक्वल टू एल कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2, एल आ गया हमारे पास 2h, मतलब 2 × 3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे राइज करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिलरी फॉल, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, कितना फॉल करेगा, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब ये हमारा लिक्विड था, जब हमने इस ट्यूब को डिप किया तो यहाँ पे डिप्रेस हो गया, इतना डिप्रेशन आया है h हाइट का, तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, हम पॉइंट्स लेकर, ये हाइट हमारा h सरफेस से, यहाँ पे पॉइंट ले लिया a, यहाँ पे पॉइंट ले लिया b, b पॉइंट हम इस लेवल पे ले रहे हैं, अगर b यहाँ पे लेना है तो हाइट यहाँ तक कंसीडर करेंगे, इस वाली छोटी वाली हाइट को नेग्लिजिबल मानते हैं।
और क्या ले सकते हैं, ये पॉइंट सी। अब यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ए पर प्रेशर कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम, प्रेशर एट सी कितना आएगा, पी एटीएम प्लस रो जी एच। जितना प्रेशर सी पर रहेगा उतना ही प्रेशर हमारा बी पर रहेगा, प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट बी। और प्रेशर हमारा बी साइड में ग्रेटर होगा क्योंकि बी वाला कॉनकेव साइड है, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, क्यों, क्योंकि कॉनकेव साइड हमारा बी की तरफ है। क्या आएगा यहाँ से, प्रेशर एट बी इक्वल टू पी ए प्लस टू टी अपॉन आर। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, इस मिनिस्कस का रेडियस। पहले इतना नोट करें, देते हैं प्रॉपर डायग्राम बना के। पहले तो टी बाई आर और इस रो जी एच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस पी बी इक्वल टू पी ए प्लस टू टी बाई आर। पी बी की जगह लिख सकते हैं हम पी सी प्लस पी ए की जगह पी ए टी एम प्लस टू टी बाई आर। पी सी की जगह आएगा पी ए टी एम प्लस रो जी एच। पी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसिल, यहाँ से एच आ गया टू टी बाई आर रो जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, आर को थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना है। डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा मिनिस्कस है, इसका सेंटर, ये हमारा रेडियस कैपिटल आर, ये हमारा ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, इस पॉइंट पे हम थीटा देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट और इस वाली लाइन के बीच का और इस लाइन के बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ कांटेक्ट, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल, ये आ गया हमारे पास थीटा। तो पहले इतना बना ले, ये हमारा स्फीयर है,
इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते हैं, ये वाला एंगल आएगा थीटा, यहाँ पे बना लेते हैं ये पूरा एंगल थीटा। इसको पॉज करके पहले नोट कर लें। अब हम आर और आर में रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, ये आना चाहिए 180 माइनस थीटा। ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये टेंजेंट के साथ ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस 180 माइनस थीटा। वापस से ये एंगल आ जाएगा सेम एंगल 180 माइनस थीटा। तो इस ट्राइंगल में एंगल आ गया हमारे पास 180 माइनस थीटा। ध्यान दें फिर से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ये एंगल सपोज इसको ले लेते हैं थीटा डैश, ये वाला मान लेते हैं थीटा डैश। अगर ये थीटा डैश है तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा डैश। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में वापस से एंगल 90 डिग्री, ये आया था 90 माइनस थीटा डैश, तो ये भी आ जाएगा थीटा हमारा। देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन है, इसको लिया हमने थीटा डैश तो ये आ गया 90 माइनस थीटा डैश। अभी भी यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसको अगर थीटा डबल डैश लें तो 90 माइनस थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश, ये है 90 डिग्री के बराबर। 90 से 90 कैंसिल, थीटा डबल डैश आ गया थीटा डैश के बराबर। थीटा डैश हमारा कितना है 180 माइनस थीटा। यहाँ पे पुट कर दिया ये आर, ये हमारा कैपिटल आर, ये 90 डिग्री। कॉस यूज करें, कॉस 180 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से कैपिटल आर कितना आ जाएगा, आर बाई कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारी कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही। अब यहाँ से हमारा एच कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें पता है एच आया था 2t बाई आर रो जी, तो यहाँ पे एच आ गया 2t, आर की जगह रखेंगे आर बाई कॉस थीटा, माइनस का था माइनस भी आएगा रो इंटू जी, तो माइनस 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। नेगेटिव साइन हमें सिर्फ यही बता रहा है कि यहाँ पे लिक्विड विल फॉल, लिक्विड हमारा इतना नीचे आया है।
अब सपोज हमारा जो ट्यूब था उस पे लिक्विड राइज कर रहा था एच हाइट तक, बट हमारा जो हाइट है वो सपोज कम है, ट्यूब का हाइट अगर कम है तो क्या लिक्विड हमारा बाहर गिर जाएगा, ये हमें बताना है। इफ हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज नॉट सफिशियंट, उस केस में क्या होगा, तो ये हमारे पास कंटेनर है, लिक्विड हमारा सपोज इस एच हाइट तक राइज करता है, अभी यहाँ पे हाइट सफिशियंट है, हम क्या कर रहे हैं एक दूसरा ट्यूब लिया सेम रेडियस का, बट यहाँ पे हाइट हमारा क्या है कम है, एच डैश इज लेस देन एच, तो यहाँ पे क्या होगा लिक्विड हमारा गिर जाएगा या फिर नहीं, ये बताना है। लिक्विड विल ओवरफ्लो और नॉट, लिक्विड ओवरफ्लो करेगा या फिर नहीं, देखते हैं। हमें पता है एच हमारा क्या होता था 2T अपॉन कैपिटल आर रो जी, आर क्या है मेनिस्कस का रेडियस, आर हमारा क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब नहीं है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, टी हमारा कांस्टेंट, रो और जी ये चेंज नहीं हुआ है, तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आया। अब हाइट हमारा कम हो चुका है, अगर हम मान लें कि लिक्विड ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो कब करेगा जब ये हमारे यहाँ पे सरफेस कैसा हो जाएगा प्लेन हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा मतलब यहाँ पे रेडियस कैसा हो जाए इन्फिनिटी, तो देखते हैं इफ आर इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो एच क्या आएगा ज़ीरो, मतलब एस तो ज़ीरो आ गया, मतलब लिक्विड हमारा राइज नहीं किया है, इसलिए सो दिस इज सो ओवरफ्लो इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे ओवरफ्लो तो नहीं होगा, यहाँ पे अगर हाइट अगर ज़ीरो है मतलब ये लिक्विड ऊपर ही नहीं गया है, तो ओवरफ्लो का केस ही नहीं है, मतलब हमारा ओवरफ्लो पॉसिबल नहीं होगा। पहले तो इसको नोट कर लें, अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि अगर ओवरफ्लो पॉसिबल नहीं है तो यहां पे लिक्विड के साथ क्या होगा। नाउ एस एच हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो एच इंटू आर क्या आएगा कांस्टेंट, एच इंटू आर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तो पहला हाइट अगर एस था और रेडियस अगर आर था, बाद वाले का हाइट एच डैश, तो यहाँ पे रेडियस भी चेंज हो जाएगा, देयरफोर रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल चेंज इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट हाइट।
तो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस चेंज होना चाहिए ताकि ये वाली वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहे। तो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस चेंज हो रहा मतलब कॉस थीटा भी चेंज करेगा, इसको नोट कर सकते हैं। तो लिक्विड हमारा ओवरफ्लो नहीं करेगा, इसका रेडियस चेंज होगा, रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, रेडियस हमारा चेंज होगा।